हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसी है मेरी फैमिली? तो लेकर आ गई हूँ मैं एक और न्यू वीडियोस आपके लिए। इसको आप तो जानते ही होंगे, ये क्या है? ये है हमारा रोजमेरी लीव्स, जो भाई हेयर फॉल को रोकने में बहुत काम करने वाला हर्ब्स है। ये एक इटालियन हर्ब्स है जो इस समय हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए, हमारे बालों के ग्रोथ के लिए, स्कैल्प से जुड़ी समस्या के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है ये रोजमेरी लीव्स। मैं इसे ड्राई फॉर्म में ले रही हूँ, मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था। तो आपके पास अगर ड्राई नहीं है तो आप ग्रीनी वाला भी ले सकती हैं, मतलब ग्रीन लीव्स भी ले सकते हैं। आज हम रोजमेरी ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं। रोजमेरी के बेनिफिट्स बालों के लिए आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि ये लीव्स आपके बालों को इतना खूबसूरत, हेल्दी और जो हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है उसको रोकने में मदद करते हैं। आपके बालों को सुपर शाइनी ग्लॉसी बनाते हैं। तो ये मैंने रोजमेरी लीव्स ले लिया है, करीबन मैंने 2 बड़े चम्मच रोजमेरी लीव्स लिए हैं। आपको भी इतना ही लेना है। क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ कोई भी चीज प्रिपेयर करेंगे तो वो बेहतरीन रिजल्ट देगी, और विश्वास जरूर करा करिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके हेयर फॉल में बहुत हेल्प कर सकती हैं। सेकंड चीज मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना बालों के लिए कितना कमाल कर सकता है ये तो आप जानते हैं। रोजमेरी लीव्स और मेथी दाना मिलकर आपके बालों की ग्रोथ को तो इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे। आपके बालों को सुपर हेल्दी और बहुत ज़्यादा ही ग्लॉसी बना देंगे। तो ये मैंने मेथी लीव लिया है, ये भी मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। मैं पूरा नहीं डालना है, मैं जितनी क्वांटिटी बताऊंगी आपको उतना ही डालना है। मेथी दाना जो होता है बहुत अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, आपके हेयर फॉल को रोकने में, आपकी हेयर ग्रोथ को फिर से इम्प्रूव करने में। तो ये हमारे 2 सुपर हेल्दी प्रोडक्ट जो हम हेयर फॉल को रोकने के लिए यूज करने वाले हैं। और तीसरी चीज जो कि मेरी फेवरेट है, ये है हमारी मीठी नीम करी लीव्स, जो भाई आप तड़के में तो यूज करते होंगे। स्वाद का खजाना के साथ साथ ये मीठी नीम आपके हेयर फॉल को बहुत काफी हद तक कम कर सकती है। मैंने एकदम ग्रीन वाली ली है करी लीव्स, और मैंने इन्हें वॉश करके सूखने के लिए रख दिया था। और इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा पानी लगे तो आप इसे किसी सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से सुखा लीजिएगा, क्योंकि हमें ऑयल प्रिपेयर करना है तो इसलिए ये ड्राई होना चाहिए ये लीव्स। तो इसे अच्छी तरीके से वॉश करके आपको कुछ टाइम पहले रख लेना चाहिए तो बहुत बेहतरीन होगा। करी लीव्स क्या करता है? करी लीव्स आपके स्कैल्प पे अगर फंगल्स की प्रॉब्लम है, स्कैल्प पे खुजली, इचिंग हो रही है, आपके स्कैल्प की ग्रोथ रुक गई है, आपके बाल शाइनी नहीं है, ये उनको शाइनी ग्लॉसी बनाता है, हेयर फॉल से जुड़ी सारी समस्या को दूर करता है। करी लीव्स डाइट में भी अगर आप शामिल करते हैं तो आपकी हेल्थ इशू काफी हद तक कम हो जाती है। बहुत सारी बीमारियों से तो आप बचते ही हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। तो ये है हमारी करी लीव्स जो कि बेहतरीन रिजल्ट देने में उम्दा काम करती है। मैंने यहाँ 6 से 7 लीव्स लिया है। यहाँ मैं 100 ग्राम कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। कोकोनट ऑयल में अगर आप ये ऑयल बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो अगर आप कोई और ऑयल भी अपने बालों के लिए सूटेबल समझते हैं, तिल का तेल लगाना चाहते हो, आप वो भी उसमें भी ये ऑयल बना सकते हैं। तो रोजमेरी लीव्स मुझे कम लग रहा था तो मैंने उसे वापस डाला है। मेथी दाना भी हम पूरा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच के लगभग इसमें आप इंक्लूड करेंगे। मैं इतना कम क्वांटिटी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें हम सारी चीजें कच्चा ही ले रहे हैं, तो ये काफी टाइम तक हमारी चीज चले, तो थोड़े दिनों के लिए ही हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना के यूज करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी DIY रेमेडी बना लेते हैं तो हम उतना यूज नहीं कर पाते और ये चीजें नीचे बैठ जाती हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल इसको बनाना चाहिए, ये आराम से आपका 2 से 3 वीक चल जाएगा।
और बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। आप इसको जरूर बनाइएगा। ये आप देख सकते हैं इनका कलर कितना चेंज हो गया है, पत्तियां हल्की क्रंची हो चुकी हैं। और अब आप देख सकते हैं ये मैंने गैस फ्लेम बंद कर दिया है, हमारे ऑयल का कलर कितना खूबसूरत हो चुका है, क्योंकि हमने जितनी हेल्दी चीज़ें इसमें डाली थी उन सब ने अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता हमारे ऑयल को दे दी है। अब हम इसे छान लेंगे। आप देख सकती हैं सारी चीज़ें कितनी क्रंची हो गई हैं। आपको उसे फेंकना नहीं है, आप उसे पीस कर दही में मिलाकर अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। अब हम इसी ऑयल को किसी ग्लास जार में ही आपको रखना है, एनी अदर जार में नहीं रखना है, प्लास्टिक में नहीं रखना है, सिर्फ ग्लास जार में ही रखना है आपको, जिससे ये ऑयल की लाइफ थोड़ी और बढ़ जाए। तो इसलिए आपको ग्लास जार में ही इसको रखना है। और ये ऑयल काफ़ी है, 2 से 3 वीक आपका आराम से चल जाएगा। तो ये हमारा पावरफुल ऑयल बनकर तैयार हो चुका है हेयर फॉल को रोकने के लिए। अब बताती हूँ आपको कि इसे अप्लाई कैसे करना है। आपको कुछ लोग ऑयल लगाना पसंद नहीं करते, तो आप इसे नाइट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने बालों में जब भी इस ऑयल को लगाइए उससे पहले आपको कंघी करके अपने बालों को अच्छी तरीके से सुलझा लेना है। इससे आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाते हैं, और जब हम ऑयल डालते हैं वहाँ पर, ऑयल लगाते हैं अपने स्कैल्प में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हमारी जड़ों को ऑयल अच्छी तरीके से मिलते हैं, हमारे बाल मजबूत होते हैं, ग्रोथ बढ़ती है, बेबी हेयर आने में हेल्प मिलती है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप इसे फुल नाइट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर फुल नाइट नहीं रखना चाहते तो आप बात लेने के 1-2 घंटे पहले इस ऑयल को अच्छी तरीके से अपने स्कैल्प पे अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद मसाज जरूर करना है, जिससे आपने जो ऑयल लगाया है वो अच्छी तरीके से स्कैल्प की जड़ों में जाए और आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करे। उसके बाद आपको इसे लेंथ पे भी लगाना है, जिससे आपके बालों की लेंथ को भी ये अच्छी तरीके से इम्प्रूव करे। तो इसको लगाने के बाद आप किसी भी, फिर 2 घंटे के बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी आप फुल नाइट रखिए, आप अगर आपको अमेजिंग रिजल्ट पाने हैं तो इसको फुल नाइट रखिए, बहुत अच्छा और कमाल का काम करेगा ये ऑयल। तो आई होप मेरी फैमिली को ये आज का पावरफुल और बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाला ऑयल, रोजमेरी ऑयल, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ट्राई भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।